बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आए के मेरे खानों में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार किस्म की सवैयों की खीर बनाना बताऊँगी। इसको शीर खुरमा भी कहते हैं। आप इसे बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा। इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं डलेंगी, मैंने उसमें इसमें डालने के लिए जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें डालने के लिए मैंने सवैयाँ ली हैं, इसका मैंने एक पैकेट ले लिया, लेकिन पूरा नहीं डालूंगी मैं, आधे से ज़्यादा इसमें डल जाएगा। और इसमें चीनी आप इसमें हसबे ज़ायका डाल सकते हैं, जितनी आपको पसंद है। आप ज़्यादा खाते हो तो आप ज़्यादा डालें। मैंने वैसे एक बड़ा कप चीनी का लिया है। और साथ में गार्निश करने के लिए मैंने थोड़े से बादाम ले लिए थे और किशमिश ले ली और थोड़ा सा नारियल ले लिया। तो दूध मैंने 2 किलो लिया, उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। ये दूध बॉयल हो रहा है तो इस स्टेज पे आके जब ये दूध बॉयल हो रहा होगा तो यहाँ पे आके हम इसमें सवैयाँ ऐड कर देंगे। दूध बॉयल हो रहा था तो अब इसमें मैं ये सवैयाँ ऐड कर दूँगी। सवैयाँ डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। साथ ही मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। 1 कप मैंने चीनी लिया था तो वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैं चेक कर लूंगी, अगर मुझे कम लगी तो मैं इसमें और भी डाल दूंगी। सवैयों का मैंने पूरा पैकेट नहीं डाला, लेकिन मैंने तकरीबन इतनी एक पैकेट में से मैंने इतनी सवैयाँ बचा ली। तो इतनी आप 2 किलो दूध लिया था मैंने, उसको पहले मैंने बॉयल किया। जब ये अच्छे तरीके से बॉयल हो गया तो उसमें मैंने सवैयाँ ऐड की हैं। सवैयाँ ऐड करके आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और साथ ही इसमें चीनी डाल दें और इसे पकने के लिए छोड़ दें। इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी दरमियानी आँच। आप इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाते रहिएगा ताकि अच्छे ना लगे। तो मैं थोड़ी देर के बाद आपको दिखा दूँ। देखिए ये पकना शुरू पक रही है। आप इसमें सलसा चम्मच डालते रहिए ताकि ये नीचे ना लगे और इसके जले की स्मेल ना इसमें से आए। ऐसे चम्मच डालते रहे। 2 से 3 मैंने इसमें सबसे इलायची के पीस भी डाले थे, उससे ये होता है कि खुशबू अच्छी आती है दूध में से। और इसमें मैंने थोड़ी सी 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें दूध की मलाई ऐड की है, उससे जो है खीर ज़्यादा मज़े की बनेगी। 2 टेबल स्पून सॉरी मैंने इसमें डाले हैं, उसके डाल के मैंने उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया और अब इसको पका रही हूँ। अब आपको थोड़ा और पकाने के बाद दिखाती हूँ। ये देखें ये गाढ़ी हो गई है, तो अब मैं इसको थोड़ी सी देर बस 2 से 3 मिनट और पकाने के बाद मैं इसको डिश आउट करूँगी। तो मैं मुसलसल इसमें चम्मच हिलाती रही हूँ। मैंने चीनी चेक की थी, मुझे चीनी इसमें कम लगी थी तो मैंने थोड़ी सी चीनी इसमें और ऐड की है। 1 कप पहले मैंने डाला था तो इसमें मैंने 1/2 से थोड़ी कम कप चीनी और ऐड की है। तो अब ये जैसी गाढ़ी होती है फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसमें मैं स्टेज पर आके थोड़ी सी मैंने किशमिश अब ऐड की है और थोड़ी सी मैंने गार्निश करने के लिए रख दी है, वो मैं एंड में इसमें ऐड कर दूँगी। तो अब देखिए ये हो चुकी है। ये देखिए ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का शीर खुरमा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और इसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। मैंने निकाल ली थी बोल में, अब मैं इसके ऊपर ये नारियल बादाम और ये किशमिश जो मैंने साइड पे रखी हुई थी ये मैं इसके ऊपर डाल दूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस पे अपनी राय का इजहार करें। तो और मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके सामने अपनी एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।